साल बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम खबर। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले एक से दो दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही हम आपको एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करते हैं पाँच बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से पाँच राज्य हैं जिनसे जुड़ी पाँच बड़ी खबरें हैं, आइए डालते हैं उस पर नज़र। सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबर जो कि जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश से। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, यानी यहाँ पर काफी अधिक बारिश हो सकती है अगले एक से दो दिनों में। केरल की बात करें तो यहाँ भी इक्का दुक्का जगह जोरदार बरसात होने की संभावना है। इसी तरीके से अगर मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं, यानी आप यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं मध्य महाराष्ट्र के बाद। अगली बड़ी खबर जुड़ी है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर गिने चुने इलाकों में गर्म हवाएं चलने के आसार हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गर्म हवाएं चल सकते हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी पांच बड़ी खबरें। और आइए बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में, जो कि अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और इस सिलसिले में भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है। क्या स्थिति है दक्षिण पश्चिम मानसून की, आइए जानते हैं। मॉनसून के आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को कर्नाटक पहुंचे मॉनसून के लिए राज्य के कई और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल है। इसके अलावा तमिलनाडु के भी कुछ और हिस्सों में ये आगे बढ़ सकता है, साथ ही कोंकण और गोवा के भी कुछ हिस्सों में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इसी तरह उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी कुछ हिस्सों में ये आगे बढ़ सकता है। दूसरी ओर मौसम विभाग पहले ही सामान्य मानसून की संभावना जता चुका है। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार 96 से 104 फीसदी बारिश हो सकती है। तो ये थी दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी हुई विशेष जानकारी। अपनी रफ्तार से मानसून आगे बढ़ रहा है और इस बार मानसून की बारिश भी सामान्य रहने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देश के किन राज्यों को लेकर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, कहाँ पर हमारे किसान सावधान रहें, यानी किन क्षेत्रों को लेकर चेतावनी है एक तरह की, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और हमारे किसान और आप जो आम नागरिक हैं वो हमारा पूर्वा अनुमान देखकर उसी के अनुसार अपनी योजना बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर हम आपको ये बताते हैं कि किन क्षेत्रों में अब मौसम में गड़बड़ी हो सकती है, जहां विशेष तौर पर नज़र बनाए रखें, और किन क्षेत्रों में किसी तरह की अगर उतार चढ़ाव है मौसम में तो उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। आप पूरा मैप देखें जिसमें कुछ क्षेत्र हरे रंग में है, इन राज्यों को लेकर किसी तरह की चेतावनी या फिर कोई अलर्ट नहीं है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। लेकिन जो पीले रंग में राज्य देख रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आई हम बात करते हैं दक्षिण के राज्यों की, तो केरल की आपको बताएं विशेष तौर पर यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है कि यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है कुछ क्षेत्रों में। वहीं आप अगर हम पश्चिमी राजस्थान पर नज़र डालें तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर अभी भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। मेघालय की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी अगले एक से दो दिनों में बारिश हो सकती है। वहीं अन्य राज्य जो देख रहे हैं आप अगर, जिसमें हम बिहार, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पर आपको बता दें कि गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। और राजस्थान के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। और आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, तो इसमें सबसे पहले हम नज़र डालते हैं जो हमारे ऊपर के राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख की हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं यहाँ अभी भी बारिश अगले एक से दो दिनों में हो सकती है, लेकिन वही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अगले एक से दो दिनों में बारिश होने की फिलहाल संभावना बनती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों पर नज़र डालें तो अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की भी आशंका बनी हुई है। बिहार की बात कर लेते हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि
जो अन्य राज्य वहाँ पर भी बारिश की क्या स्थिति रहने वाली है। नीचे की तरफ आते हैं, केरल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतर बारिश हो सकती है, अधिकतर जगहों पर काफ़ी मूसलाधार बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी बारिश होने की संभावना है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। और तमिलनाडु की बात करें और अन्य जो उससे जुड़े राज्य वहाँ पर भी बारिश हो सकती है। आइए मध्य महाराष्ट्र की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में भी अगले एक से दो दिनों में बारिश हो सकती है, लेकिन जो हमारे अन्य पश्चिमी राज्य हैं और मध्य भारत के राज्य हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक से दो दिनों में बारिश होने की संभावना नज़र नहीं आ रही। इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान के भी क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, तो आप पूरा मैप देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। इसी तरह से झारखंड, पंजाब और हरियाणा और साथ ही दिल्ली में भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। रुख करते हैं अब अन्य क्षेत्रों की ओर, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा की बात कर लें तो यहां भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, लेकिन गांधी पश्चिम बंगाल में काफी तेज हवाएं चली हैं, बिजली कड़की है और साथ ही बारिश भी हुई है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है, लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। नीचे की तरफ रुक करते हैं, अगर बात करें तमिलनाडु की, केरल की, तो आप देख सकते हैं कि केरल में पिछले 24 घंटों में काफी बारिश हुई है। तमिलनाडु में बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं चली, बिजली की कड़क भी यहां पर दर्ज की गई है। इसी तरीके से आप अगर मध्य भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी पिछले 24 घंटों में यहां पर बारिश दर्ज की गई है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि मौसम की चाल में कहां कहां किस तरह की स्थिति रही मौसम को लेकर, कहां बारिश हुई और कहां पर तेज हवाएं चली हैं। इसी के साथ ही यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम के हाल की, और मौसम के हाल में नज़र डालेंगे सबसे पहले हम अधिकतम तापमान पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कहाँ कितना तापमान बढ़ा है, सामान्य से कितना ऊपर गया है या फिर सामान्य से तापमान की कितना नीचे लुढ़का है। सबसे पहले आइए बात करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य से 3 से 5 डिग्री तापमान यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है, यानी तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से आइए अब रुख करते हैं अन्य क्षेत्रों की ओर, जिसमें हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से तापमान सामान्य से ऊपर रहा है, यानी अभी भी यहाँ पर पारा चढ़ रहा है और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पारा ऊपर गया है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। और आइए अब बात करते हैं कैसी स्थिति रही, खास तौर पर अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है, यानी थोड़ी राहत महसूस की गई है गर्मी से, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ नीचे गया है। और उसी तरह तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में गिरावट रही है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से तापमान नीचे गया है तमिलनाडु में भी। और अगर हम अब नज़र डालें कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश के नौगांव में यहाँ पर 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।
और अधिकतम तापमान के बाद आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख की और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से तापमान ऊपर गया है, यानी न्यूनतम तापमान में भी यहाँ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें और साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है, यानी यहाँ तापमान में इजाफा देखने को मिला है। इजाफा भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से यहाँ पर दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र के जेऊर में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। अगर आपके क्षेत्र के बारे में भी आपको नहीं पता चल पाया कि वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा, तो आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर, छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुँचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता के, पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की और साथ ही बताते हैं आपको आज की फसल के बारे में भी और जानकारी देते हैं खेती किसानी की, यानी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस मौसम में खेती किसानी का हमारे किसान ध्यान रखें और विशेषज्ञों की राय को फॉलो करें। तो वही सबसे पहले हम आपको बताते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं उनकी वायु गुणवत्ता यानी जो एयर क्वालिटी है वो कैसी रही। राजधानी दिल्ली से हम शुरुआत कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 367 है वायु गुणवत्ता, जो कि काफ़ी बिगड़ी हुई है। पटना की बात करें तो ये अभी संतोषजनक श्रेणी में है, 144 है पटना की वायु गुणवत्ता। लखनऊ में 198 है, संतोषजनक श्रेणी से बस खिसकते हुए आप देख सकते हैं कि थोड़ी ख़राब की स्थिति में पहुँचने में ज़्यादा फासला नहीं। हैदराबाद की बात करें तो 85 है, ये आप देख सकते हैं कि अच्छी श्रेणी में हैदराबाद की वायु गुणवत्ता काफ़ी बेहतर है। पुणे की बात कर लेते हैं, यहां भी आप देख सकते हैं कि 103 है वायु गुणवत्ता, यानी बहुत करीब है अच्छे के। और कोलकाता की बात करें तो यहां देख सकते हैं कि यहां पर वायु गुणवत्ता 49 है और यह भी काफी अच्छी वायु गुणवत्ता की श्रेणी में है। और मुंबई की बात करते हैं तो यहां पर वायु गुणवत्ता 137 है और यह संतोषजनक श्रेणी की में ही है। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं, वायु गुणवत्ता यहां पर 54 है और काफी अच्छी और अच्छे के बहुत ही करीब है। और वायु गुणवत्ता के बाद आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्व अनुमान की, और इसमें सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं। देखिए चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ नहीं रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है। तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है अधिकतम, और न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव अगले 4 दिनों में होता नजर नहीं आ रहा और मौसम में भी किसी तरह का उलटफेर नहीं है। चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति रहेगी, चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ नहीं रहेगा, हालांकि बीच बीच में धूप खिल सकती है। तापमान 35 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच चारों दिन रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं, 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी न्यूनतम तापमान में भी कुछ ज़्यादा बदलाव अगले 4 दिनों में यहाँ दर्ज नहीं किया जाएगा और मौसम चारों ही दिन एक जैसा ही बना रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर गर्मी का आलम लगातार बना हुआ है, आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन तापमान काफ़ी अधिक है और
यहाँ पर आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान में भी किसी तरह का बदलाव नहीं है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो अगर आप कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं तो गर्मी का ज़रूर ध्यान रखें कि गर्मी यहाँ पर अभी भी लगातार बनी हुई है। 43 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान। राजस्थान के जोधपुर की बात करें तो पर्यटकों के बीच में ये जगह भी काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन गर्मी अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक जा रहा है और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रहने वाला है। तापमान में उतार चढ़ाव थोड़ा दिखाई दे रहा है अगले 4 दिनों में, लेकिन मौसम एक समान बना रहेगा, यानी काफ़ी धूप रहेगी, साफ मौसम रहेगा, चटक धूप रहने की स्थिति बनती नजर आ रही है। बिहार के बोधगया की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। तापमान आप देख सकते हैं 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में बोधगया में अगले 4 दिनों में बना रहेगा। तापमान एक ही समान चारों ही दिन रहने वाला है, यानी बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है और गर्मी हालांकि आने वाले 3 से 4 दिनों में बढ़ सकती है 2 डिग्री सेल्सियस से। ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहाँ भी देख रहे हैं कि लगातार मौसम जो है बादलों वाला बना हुआ है, बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में यहाँ भी धूप खिल सकती है। तापमान में भी कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं महसूस होगा आपको, 35 से 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों ही दिन बना रहेगा। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे चारों ही दिन, बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। असम के सिलचर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि लगातार असम में बारिश हो रही है और अगले 4 दिनों में सिलचर में भी बारिश की संभावना बिल्कुल साफ बनी हुई है। तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा अधिकतम, न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। लेकिन बारिश काफ़ी अधिक हो रही है तो उसी के अनुसार ही अपनी योजना बनाएं, उसी के अनुसार ही अपनी प्लानिंग करें। तो असम के सिलचर में अगले 4 दिनों में काफ़ी बारिश होने की संभावना है। नागालैंड के कोहिमा की बात करें तो यहाँ भी ऐसी ही स्थिति रहने वाली है, चारों दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। कोहिमा में भी अगले 4 दिन लगातार बारिश होती रहेगी, 4 दिन मौसम एक समान रहेगा, मौसम साफ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में भी बारिश की लगातार स्थिति बनी हुई है और यहाँ भी 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। तो मैसूर में भी अगले 4 दिनों में बिल्कुल बारिश का ही यहाँ पर माहौल बनता नजर आ रहा है, ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। तो 4 दिन बारिश यहाँ पर होती रहेगी, इस बात को बहुत ध्यान में रखें। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ गुरुवार को बिजली कड़क सकती है, हवाएं चल सकती हैं, वहीं शुक्रवार शनिवार को पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बारिश हो सकती है और शनिवार को फिर से आप देख सकते हैं कि रविवार को फिर से बिजली कड़कने की और तेज हवाओं की स्थिति बनती नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच सेल्सियस के बीच में, न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहां पर रह सकता है। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम और क्षेत्र के अनुसार, राज्य के अनुसार आप फसलों की देखभाल किस तरीके से करें। बहुत सारे क्षेत्रों में अभी बुआई रोपाई का समय चल रहा है, तो आइए जानते हैं कि क्या है विशेषज्ञों की सलाह। बिहार में मक्के की कटाई करें, किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग के खेत में निराई करें, यहाँ बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ ही धान की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं जूट के खेत में निराई कर सकते हैं। जूट के खेत से खरपतवार निकालें, जूट की बुआई करें। बिहार में आम के बागों की देखभाल कर लें। इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई करें, किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। यहीं कद्दू के खेत में सिंचाई कर लें, साथ ही कद्दू के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बिहार में करेले के खेत से घास फूस निकाल ले, करेले के खेत में सिंचाई करते रहे। झारखंड में मूंग की बुआई कर ले, मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। वहीं फूलगोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय फूलगोभी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फूलगोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान पत्ता गोभी के खेत में भी सिंचाई कर ले, पत्ता गोभी में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से पत्ता गोभी में कीटनाशक छिड़के। अभी हल्दी की बुआई का समय उपयुक्त है। झारखंड में धान की रुपाई कर ले, धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें।
खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे हल्दी के बारे में। हल्दी की अगर बात करें तो यह हमारे जीवन में रची बसी हुई है, औषधीय गुणों के लिए भी बहुत इसे जाना जाता है और साथ ही हल्दी शुभ भी मानी जाती है। और कृषि के लिहाज से बात करें तो इसका अपना महत्व है। तो अगर आप हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मानसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 पीएच वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को दो टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें, इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीचे रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। एक हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव ना होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर दो कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की एक कतार लगाएं। तो ये थी हल्दी पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये कि इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।